जय हिंद साथियों। दोस्तों, राशन कार्ड को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। आपका भी राशन कार्ड है, चाहे सफ़ेद वाला है या फिर लाल वाला है, कोई भी मतलब राशन कार्ड आपके घर में भी है, तो ये सूचना जानना आपके लिए ज़रूरी है। देखिए हुआ क्या है, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि आपको राशन कार्ड में अपना EKYC जरूर करा लेना चाहिए, नहीं तो आपका राशन बंद हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने अपना EKYC जाके कराया है, अपने डीलर के पास, अपने उस कोटेदार के पास, जहाँ पे ये सुविधा हो रहा है और मतलब उपलब्ध है। बहुत सारे लोग हैं जो बाहर में रहते हैं, प्रदेश में रहते हैं, तो वे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर मैं प्रदेश में रहता हूँ तो मेरा कैसे होगा, क्या मेरा यहीं से हो जाएगा या फिर मेरे को गाँव जाना पड़ेगा, मतलब क्या सुविधा सही है। तो इसी के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। और 30 सितंबर से पहले, 30 सितंबर ये चल रहा है ना, 30 सितंबर से पहले आपको EKYC करा लेना ये अनिवार्य है। और एक और काम यदि नहीं करते हैं तो भी आपका राशन बंद हो सकता है। पूरा डिटेल में इस वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस टाइप का कंटेंट आपको देता रहता हूँ। देखिए, आज से लगभग 20 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि राशन कार्ड में EKYC कराना ज़रूरी है। देखिए होता क्या है कि हम ये राशन कार्ड पहले ही जानते हैं कि पूरे भारत में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग राशन का लाभ लेते हैं। 80 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो जिनके पास राशन कार्ड है और वो लाभ लेते हैं। अच्छा, उसमें भी सफ़ेद है, एक सफ़ेद कार्ड आता है और एक होता है लाल कार्ड, ठीक है, BPL जिसको कहा जाता है। तो जो लाल कार्ड होता है उस पर 35 KG राशन मिलता है, चाहे उसके परिवार में 1 सदस्य हो या 4 सदस्य हो या 5 सदस्य हो, 35 किलो राशन उसको मिलता है। और वहीं अगर सफ़ेद कार्ड है, मतलब सफ़ेद वाला जो कार्ड है, अगर वो कार्ड आपके घर में है तो उस पर जितने यूनिट होते हैं, जितने परिवार में लोग होते हैं और उनका नाम राशन कार्ड में ऐड होता है, तो उनका जो है 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से उनको राशन मिलता है। यहाँ तक तो आप समझ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ना नाम उसमें से कट गया है, छूट गया है, किसी कारणवश है ना उनका नाम रह गया है। अब वो नाम ऐड कैसे होगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। और बहुत दिन हो गए सर्वे किए हुए, पूरे भारत में आप जानते हैं कि 2011 का जो है सर्वे चल रहा है, उसी के हिसाब से अभी भी चल रहा है। तो इतने 2011 से लेकर आज तक लगभग मुझे लगता है 14 साल 15 साल से ज़्यादा ही हो गया, और इतना दिन हो गया। तो इसमें बहुत सारे लड़कियां हैं जिनका शादी हो गया, वो अपने मायके चली गई, अपने ससुराल में चली गई, ठीक है, मायके नहीं ससुराल चली गई, वहाँ पे अपना जा कर के नाम ऐड करा लिए हैं और फिर भी यहाँ के राशन कार्ड में उनका नाम है। अच्छा, दूसरी बात यह कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है, वो मर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका नाम राशन कार्ड में है। ऐसे देखा जाए तो पूरे भारत में बहुत सारे लोगों का नाम ऐसा है जो कि वो व्यक्ति है भी नहीं, लेकिन फिर भी उसके नाम से राशन कार्ड बना हुआ है और उसका नाम उसमें ऐड है। इस वजह से EKYC कराने का ये सिस्टम आया है कि जितने लोगों को राशन की ज़रूरत है। अच्छा, एक बात मैं इस यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आपको सच में राशन की ज़रूरत है, आप गरीब फैमिली में, आपको उतना ज़्यादा दिमाग नहीं है, उतना ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते, आप राशन के हकदार हैं तभी राशन लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कमा सकता हूँ, मैं अपना कारोबार कर रहा हूँ, उस कैटेगरी में मैं नहीं आता हूँ, तो आप राशन खुद ही छोड़ दीजिएगा, लेना बंद कर दीजिएगा। क्योंकि देखिए, ये जो भी योजना चलाई गई है, ये सब कुछ उन लोगों के लिए है जो वास्तव में गरीब है, ज़रूरतमंद है, जिसको सच में राशन की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिनके घर में बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, बुलेट होता है, पक्के मकान होते हैं, सब व्यवस्था ठीक है, AC लगा हुआ है, वो भी लोग जा करके राशन कार्ड के लाइन में राशन कार्ड लगा करके और अपना राशन उठाते हैं। क्या ये सही है? अपने आप से विचार कीजिए। अच्छा, जो ज़रूरतमंद है, जिसको वास्तविक में ज़रूरत है, उसका नाम कट गया है, वो अपना नाम जुड़वा नहीं पा रहा है। अब डीलर लोगों के पास लोग जाते हैं, डीलर लोग उनको बताते हैं कि ये इसका मतलब प्रोसेस है, आप इस तरीके से करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। ये प्रोसेस में ना लोग उलझ के रह जाते हैं। अब वो जाते हैं तहसील पे कोई बड़ा अफसर के पास, तो उनसे मुलाकात नहीं होती है, कभी छुट्टियां पड़ जाती है, कभी इतना ज़्यादा काम होता है, अब वो अफसर करें तो क्या करें, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारा काम होता है। ये सारा कुछ देखते हुए, लोगों का प्रॉब्लम को देखते हुए, एक फिर से एक नया ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है मेरा राशन 2.0। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? देखिए, अगर आपका नाम कट चुका है या फिर ऐड नहीं है, नामांकन
कराना चाहते हैं या फिर राशन कार्ड में किसी का नाम किसी कारणवश रह गया है तो उसका नाम ऐड करना चाहते हैं, या फिर ई केवाईसी करना चाहते हैं, अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं, या फिर कोई भी राशन कार्ड से संबंधित कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हैं या फिर उसमें अपडेट करना चाहते हैं, तो मेरा राशन 2.0 एक नया ऐप आया है, आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। इस ऐप से देखिए, मैं किसी से पैसे लेकर ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये योजना के माध्यम से है, इसलिए मैं आपके हेल्प के लिए ये बातें बता रहा हूँ कि अगर आपका नाम ऐड करना है, ई केवाईसी करना है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है राशन कार्ड से संबंधित, यूनिट से संबंधित, तो आप उस ऐप को डाउनलोड करके प्ले स्टोर से अपना एम पिन बना करके, कैसे बनता है, क्या करना है, अगर आप कॉमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कॉमेंट करेंगे कि सर आपकी भाषा समझ आती है, आप प्रैक्टिकल हमें करके दिखाइए कि कैसे होता है, तो मैं खुद एक पर्टिकल बढ़िया सा एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, और आप उसको देख करके सीख जाएंगे। लेकिन ये सीखने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया राशन कार्ड में ई केवाईसी क्यों जरूरी है। अच्छा, ई केवाईसी कराना अनिवार्य इसलिए है क्योंकि यदि आप ई केवाईसी नहीं कराते हैं, अपना फिंगरप्रिंट जो अंगूठा है वो नहीं लगाते हैं, तो आपका जो राशन है वो बंद हो जाएगा। सरकार की तरफ से टाइम भी दिया गया, आप जानते भी होंगे कि 30 सितंबर तक उसका लास्ट डेट है, मतलब उसके बाद भी बढ़ सकता है, ऐसा नहीं है कि बस वो लास्ट ही है। अभी फिलहाल में मैं 30 सितंबर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो पिछली बार जो अपडेट आया था उसके हिसाब से 30 सितंबर तक अपना ई केवाईसी आप जरूर करा लीजिएगा। अब बहुत सारे लोग हैं जो ये कॉमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर मैं तो हरियाणा में रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा घर बिहार में है, मैं उत्तर प्रदेश में रहने वाला हूँ, या मेरा घर झारखंड में है, तो मेरा क्या होगा, मेरा ई केवाईसी कैसे होगा। मैंने उनको बताया था कि आप जन सुविधा केंद्र पर जाकर के पता कीजिएगा, अगर वहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, सीएससी सेंटर पर जाके पता कीजिएगा, ऐसा वहाँ पे भी नहीं हो रहा है, तो आपको अपने गांव में आना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जहाँ के निवासी हैं एक बार आ करके अपना जो फिंगर है वो लगा करके अपना जो राशन कार्ड में नाम ऐड करवा लीजिएगा, ई केवाईसी करवा लीजिएगा। और ये जो ऐप बता रहा हूँ इस माध्यम से भी यदि आप कर लेते हैं हो जाता है, ये ऐप आपके मदद के लिए ही लाया गया है, आपके मदद के लिए ही चलाया गया है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं ये कह रहे हैं सर इसमें ओटीपी नहीं आ रहा है, इसमें सर्वर का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी मेरा एम पिन डालता हूँ खुलता ही नहीं है। देखो कुछ न कुछ आप ऐसी गलती कर देते हैं जिसके वजह से ये ऐप काम कम करता है, और काम कम तो इसलिए करता है क्योंकि नेटवर्क का भी इशू हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग ना उसमें गलतियां कर दिए हैं, एम पिन कुछ और बना के रखे हैं और फिर डालते कुछ और हैं, तो कैसे वो ओपन होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ओटीपी नहीं आ रहा है, ओटीपी का प्रॉब्लम है। देखिए हर सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, टेक्निकल इशू हो जाते हैं, लेकिन वो समय के हिसाब से धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है। आप मेरा राशन 2.0 जो अभी नया ऐप आया है आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा जाकर के प्ले स्टोर में, ठीक है, उसमें अपना ई केवाईसी कर सकते हैं, जो भी आपका काम है, नाम ऐड करना है, जो भी करना है आप उस ऐप में जा करके कर सकते हैं। अच्छा, अगर नहीं हो रहा है, ये सब ट्राई कर लिया नहीं हो रहा है, तो आपका जो गांव में कोटेदार हैं, डीलर लोग हैं, कोई कोटेदार कहता है, कोई डीलर लोग कहते हैं, वहां पे जा करके अपना फिंगरप्रिंट लगाइएगा, अपना अंगूठा लगाइएगा, अपना ई केवाईसी वहां पे जरूर करा लीजिएगा। देखिए अगर आप इस तरीके से नहीं कराते हैं, छोड़ देते हैं, या फिर आपको लगता है कि 6 महीने बाद कराऊंगा, तो जो डेट मिला है ना उस डेट के अंदर यदि आप नहीं कराते हैं तो आपका जो नाम है वो पेंडिंग में रह जाएगा। आपका जो राशन नाम से है, सिर्फ आपका, जिसका ई केवाईसी नहीं होगा उसका राशन बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसका नाम कट जाएगा, कभी होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, वो होगा, लेकिन जब तक ई केवाईसी नहीं होगा तब तक के लिए रुक जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने समझाने का प्रयास किया, जो भी आपके मन में डाउट था, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया। अगर समझ में आया है तो कमेंट करके बताइएगा, है ना, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी अवश्य कीजिएगा। जय हिंद।